तो कुछ लेक्चर्स uh, मैं फ्री अपलोड करूंगी यूट्यूब पे लेकिन अगर आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं फॉर दैट यू डाउनलोड करन क्रंच ऐप वहाँ पे जाके आप uh, जो है सोशोलॉजी का कोर्स परचेज कर सकते हैं यू कैन ऑल्सो पे वाय इंस्टॉलमेंट्स अगर आप वन गो में पे नहीं कर पा रहे ठीक है तो बेसिकली इस मॉड्यूल में क्या होता है हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करते हैं उसमें आई टेल यू कंटेंट कैसे फिलअप करना है आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी एंड सेकेंडली uh, मैं आपको होमवर्क देती हूँ स्टूडेंट्स मेल मी दी क्वेश्चन एंड मैं उनको इवेलुएट करके क्वेश्चन वापस भेज देती हूँ ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा इस वाले जो मॉड्यूल ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया है यू विल बी कम्पलीट मेन्स रेडी आपको पता होगा आपको कहाँ कैसे आंसर राइटिंग अपनी जो है वो करनी है ठीक है तो आज जो हम क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहला दैट इज इज वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप अब हमें पता है कि जो मैक्स वेबर है उन्होंने हमें काफी अच्छे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिए जिससे सोशोलॉजिकल रिसर्च में काफी हेल्प हुई ठीक है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करी उन्होंने एक्चुअली हमें वो टूल्स दिए जिससे हम अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते थे और वेबर के स्कूल को बिलोंग करते थे वो बिलोंग करते थे इंटरक्शनिस परसपेक्टिव को इंटरक्शनिस्ट परस्पेक्टिव तो कंप्लीटली माइक्रो स्टडी करनी है हमें चीज़ों की या माइक्रो स्टडी करनी है उस पर बिलीव नहीं करते थे इनका मानना था कि हमें दोनों चीज़ों से यूज दोनों चीज़ें जो है माइक्रो एंड माइक्रो हमें अपनी स्टडीज में यूज़ करनी होगी ठीक है लाइक इन्होंने हमें सोशल एक्शन का क्या कहा था सोशल एक्शन समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट द एक्टर इज गिविंग टू द एक्शन दैट दैट ही इज़ परफॉर्मिंग ठीक है तो ये डिटेल हमने ऑलरेडी कवर कर ली है यूट्यूब क्लासेज में हमने मैक्स पेपर को काफ़ी स्टडी किए हैं सारे concept. अगर आपने नहीं देखे वो अभी तक यू कैन पॉज़ आपको आंसर exactly कैसे करनाटरैक्शन पर्सपेक्टिव तो के थे इन्होंने हमें आइडियल टाइप्स जैसे कॉन्सेप्ट दिए प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्मीजन की बात भी इन्होंने की आइडियल टाइप इन्होंने ब्यूरो के बारे में काफी बातें करी तो इनका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी रिपिटेटिवली आपको यहां से जो है क्वेश्चन पूछती है ठीक है तो देखते हैं क्या पूछा है आज आ, इस क्वेश्चन में इज वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप ठीक है तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीजें बताई गई हैं कि वेबर ने जो आइडिया दिया है ब्यूरोक्रेसी का वो कैसे लिया गया है वेबर के थ्रू अपने एक एक्सपीरियंस से किसके एक्सपीरियंस से हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा आपको आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी को रिलेट करना है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप जो है वो क्या था दैट मीन्स जिस टाइम पे वेबर ये बातें कर रहे थे उस टाइम हिस्टोरिकली यूरोप में क्या कुछ चल रहा था तो ये काफी सिंपल होगा टू आंसर क्योंकि आपने जीएसबी पढ़ा होगा ठीक है एंड सोशोलॉजी हमने स्टार्टिंग में इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो सारी चीजें नाइनटीन सेंचुरी ये टाइम लाइन वो सारी हमने डिस्कस की है फर्स्ट चैप्टर्स में तो और आपने जनरल स्टडीज में भी पढ़ा होगा तो आप क्या करोगे जनरल स्टडीज की नॉलेज भी जहाँ यूज होगी ऑब्वियसली आपके आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए यू हैव टू स्टिक टू द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज लेकिन थोड़ा बहुत जीएस का भी आप रिफ्लेक्ट करो अगर आपको ये नहीं पता हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप उस टाइम पे क्या था सोशलॉजी में अगर आपने नहीं समझी ये चीज़ तो थोड़ा अपने और जो है ब्रेन करो एंड ट्राई टू गो टू द जी एंड वहां से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करो ठीक है तो कैसे आइडिया ब्यूरोक्रेसी था एक प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप तो बेसिकली यूरोप में तब क्या कुछ चल रहा था 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था यूरोप में एक्सपेंशन हो रहा था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज का एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ठीक है सिर्फ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज नहीं आपका राइज़ ऑफ नेशनलिज्म ठीक है और राइज ऑफ नेशनलिज्म के साथ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स पहले मैं आपको बोलूंगी हम थोड़ा सा पहले एक चार्ट यहां पे ड्रॉ करेंगे जैसे मैं लिख रही हूँ कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप क्या कुछ था फिर हम इससे कोशिश करेंगे डिराइव करने की कि उनका आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसे यहाँ पे आया कैसे इन चीजों से उनका आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलप हुआ ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स एंड जहाँ पे आप मैं वेबर एंड ब्यूरोक्रेसी लिखते हैं तो वहाँ पे ये एक बात याद रख लो ये शायद नितिन सर के बुक्स में नहीं है कि जो वेबर है ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रूशियन सिविल सर्विसेज प्रुशिया के ठीक है प्रूशियन सिविल सर्विसेज जो प्रूशियन सिविल सर्विसेज है ना दे वर वेरी फेमस एंड दे वर नोन फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड हायरार्किकल नेचर बेसिकली आपका कौन सा वाला एरिया था आपका जर्मनी प्लस पार्ट्स ऑफ पोलैंड वगैरह ठीक है उसके आसपास वाला एरिया तो जो उनकी सिविल सर्विसेज थी ना वेबर ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम तो उनका काफी अच्छा स्ट्रक्चर हेरिकल नेचर वगैरह था तो वो उन्होंने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी वहां से ड्रॉ करने में काफी ज्यादा उसे हेल्प ली तो ये कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्ट अगर हम देखें उस टाइम पे यूरोप का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या था यूरोप का ठीक है तो एक्सपेंशन ऑफ़ इकोनॉमीज़ अब इससे ब्यूरोक्रेसी कैसे हुई क्योंकि जब कैपिटलिज्म आपका बढ़ रहा होता है इकोनॉमीज़ बढ़ रही होती है, तो उनको और बढ़ाने में क्या हेल्प करता है ठीक है उन राइज ऑफ कैपिटलिज्म में क्या चीज हेल्प करती है दैट इज एफिशंसी जितनी ज्यादा कैपिटलिस्टिक uh, ये, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं फाइन उतना ज्यादा जो एफिशिएंसी है वर्कर्स मैनेजमेंट है वो चीज ज्यादा डिमांड हो जाएगी वो चीज ज्यादा आपको चाहिए तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट रिटर्न रूल्स एक मेरिट बेस्ड सिस्टम ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी किसके साथ आएंगी आपके कैपिटलिज्म uh, के साथ साथ राइज होने में ठीक है तो ये हो गया राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रूशा में जो हो रहा था प्रूशन सिविल सर्विसेज वहां से एक ब्यूरोक्रेसी का आइडिया लेना एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट नेशन स्टेट के राइज से क्या हो जाता है एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म दैट मीन्स अब जो नेशन स्टेट आएगी दैट विल बी मोर सेंट्रल इन कैरेक्टर तो सेंट्रलाइज टेंडेंसीज बढ़ गई आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए अभी हम आ, सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट में दे रही हूँ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप क्या था तो आपने देखा राइज ऑफ कैपिटलिज्म हो रहा था नेशनलिज्म नेशन स्टेट वेबर प्रूशन आपके ये पुरूषण सिविल सर्विसेज तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी अब इन सारी चीज़ों से वेबर ने क्या किया आइडियल टाइप्स डिराइव किए और मतलब एक ऐसा माहौल सेट हो गया इन चीजों से ठीक है तो इन सब चीजों से वेबर को लगा कि जो ब्यूरोसी है वो एक पर्टिकुलर टाइप की होनी चाहिए एंड उसके आइडियल टाइप में ये सारी चीजें होनी चाहिए अगर आप आइडियल टाइप रिकॉल करने की कोशिश करोगे हमने ब्यूरोसी पढ़ा है डिटेल में उसके आइडियल टाइप्स में क्या बोला वेबर ने कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक लीगल रैशनल रूल्स होने चाहिए लीगल रैशनल रूल्स ठीक है तो आपके जैसे ही आपका जो कैपिटलिज्म के राइज़ हुआ कैपिटलिज्म के राइज़ के होने के साथ साथ आपके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आना चाहिए डिपार्टमेंट्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो एक रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे ठीक है एंड उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी में एक हायर होनी चाहिए ऑफ ऑफिशल्स सेम आपका जब नेशन स्टेट्स बनती हैं तो हायरकी ऑफ ऑफिशल होती है जब आपका इंडस्ट्रीज कहीं पर आप सेटअप करते हो नए नए प्लाट्स आप कहीं पर सेटअप करते हो तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक हायरारकी में काम करते हैं ठीक है एंड जो वर्क होता है उसके लिए ट्रेन स्टाफ होना चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो यू विल गेट पेड फॉर द ओवरटाइम दैट यू आर डूइंग एंड आप काम करोगे अकॉर्डिंग टू सम एक्ट्स कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स होंगे ठीक है जो डिसीजंस एंड रूल्स होंगे डिसीजंस एंड रूल्स दे विल बी फॉर्मुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग मतलब आप आर्बिट्रली कुछ भी नहीं बोल सकोगे ना आप अगर कोई डिशीजन ले रहे हो या आप ऐसा नहीं है आज कोई एक डिसीजन लो कल कोई एक लो ऐसा नहीं होगा आपने आज कोई डिसीजन लिया वो कहीं पे राइटिंग में प्रेजेंट होना चाहे जिसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज कर पाओ तो ये सारे डराइव किए हैं ब्यूरोसी के आइडियल टाइप्स किसने मैक्स वेबर ने एंड इसमें काफी और भी है वो आप एड कर सकते हो कंटेंट से जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है तो अब आप समझ रहे रिलेट करना है आप इसमें अगेन जो मैं आपको वो मेथड दिखाती हूँ आप एक साइड से ये लिख सकते हो जैसे वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी ठीक है वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी और यहां से आप लिख सकते हो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप तो ये सारी जो चीजें हमने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में डिस्कस करी हैं और यहाँ से जो आइडियल टाइप्स ऑफ बेरोक्रेसी तो जिस एक्सपीरियंस के साथ जो बेरोक्रेसी का आइडियल टाइप फिट बैठता है वो आप, लिख के एक कर सकते हो. में आप इसमें लिख सकते हो कि जैसे सिर्फ ज़रूरी नहीं कि कैपिटलिज्म के आने के बाद ब्यूरोसी जो है या पर्टिकुलर एक नेशन स्टेट्स आने के बाद आपके जो ऐसे ब्यूरोसी वगैरह सामने आई इंडियन कॉन्टेक्स में अगर हम देखें तो ब्यूरोटिक स्ट्रक्चर्स काफ़ी पहले से प्रेजेंट थे हमने मॉरियन एम्पायर में पढ़ा है मौरियन एम्पायर गुप्ता एम्पायर ठीक है हमने एंशियट हिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी हैं तो इनका आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे कि उनके टाइम पे भी एक जो ब्यूरोक्रेसी थी वेल well इस्टेब्लिश थी तो इसको कैपिटलिज्म से रिलेट करना वॉज नॉट अ गुड थिंग दैट वॉज नॉट अ कम्पलीट एंड कॉम्प्रेहेंसिव थिंग एज वॉज डन बाई मैक्स ठीक है ऐसे करके यू कैन एंड योर आंसर तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन इज वेबर्स आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का हमें आइडिया दिया वो कैसे या क्या बिलीव करते हो कि वो कोई प्रोडक्ट था एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ़ यूरोप का तो ऑब्वियस स्टेप क्या होगा ये देखना कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप क्या रहा दैट मीन्स हिस्ट्री में यूरोप में उस टाइम में क्या हो रहा था एंड देन वेबर ने कैसे उस चीज़ में से अपना ब्यूरोसी वाला आइडिया हमें दिया तो हिस्ट्री में क्या हो रहा था नेशनलिज्म कैपिटलिज्म पुलुशन सिविल सर्विसेज ठीक है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म सेंट्रलाइज टेंडेंसी एफिशेंसी मैनेजमेंट लॉ रूल ये सारी चीज़ें जहाँ पर ग्रो कर रही थी तो इन्हीं चीज़ों से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया अपना सी एंड हमारे सामने एक मॉडल रखा तो ये सारी बना के आप अच्छा रहेगा एंड काफी स्कोरिंग भी होगा अगर आप ऐसे करके लिखोगे एक साइड से ये चीजें लिख ली जो पूछिए और जिससे आपको उसको रिलेट करना है वो दूसरे साइड से लिख लिया तो ऐसे क्या होता है आपका आंसर एक बैलेंस आंसर एंड कॉम्प्रहेंसिव आंसर जो है वो बन जाता है ठीक है आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस दी यूजफुलनेस ऑफ वेपर्स आइडियल टाइप एज अडोलॉजिकल टूल इन कंटेम्प्ररी सोशल रिसर्च ठीक है तो हाउ यू विल स्टार्ट दिस आंसर आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा आइडियल टाइप के बारे में लिखोगे कि उन्होंने क्या कहा था कि एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है वन साइड एग्जेजन है जो कुछ भी की वर्ड्स वेबर ने बोले थे जो हमने डिस्कस किए हैं क्लास में एंड जो बुक पे भी प्रेजेंट है तो वो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखोगे फिर आप एक हेडिंग बनाओगे सेपरेट कि आइडियल टाइप मेथडोलॉजिकल टूल इन कंटेम्प्ररी रिसर्च ठीक है वो कैसे है? वो आप नीचे मैं आपको बताती हूँ फिर आप पॉइंट्स में यू कैन कंटिन्यू योर आंसर ठीक है तो पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे फिर जो मेन बॉडी है वो आप ऐसे हेडिंग से स्टार्ट करो कि इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट तरीका वही होता है कि आपको देखना है किस टाइप का स्ट्रक्चर आप क्वेश्चन में फॉर्म कर सकते हो एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जितने क्वेश्चन आप लिख के मुझे भेज सकते हैं वो अभी ऑल दो क्वालिटी में काफी आपको लगेगा कि अच्छी क्वालिटी आप नहीं लिख रहे हो बट दैट विल कम विद प्रैक्टिस दैट विल कम विद टाइम तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आना मतलब आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपको कि आप इसमें सब हेडिंग्स बना के आंसर करना बेस्ट होगा या जैसे मैं आपको टेबुलर फॉर्म अक्सर दिखाती हूँ टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो या कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो आपको क्या बोला है कि आपको बताना है जो वेबर का आइडियल टाइप है वो कैसे एक मेथोडोलॉजिकल टूल है कंटेम्प्री सोशल रिसर्च का ठीक है तो जो आइडियल टाइप है बेसिकली वो एक टूल ही है जो डिमार्केट करता है जो थ्योरीज बाकी स्कॉलर्स आपको देते थे उससे प्रैक्टिकल चीजों को प्रैक्टिकली कैसे आपको चीजों को समझना है उसको अलग करता है कहने का क्या मतलब है इट इज अ ग्रैंड आप बोल सकते हो इट इज अ डिमार्केशन फ्रॉम ग्रैंड थ्योराइजेशन एज वॉज done by positivists. पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा था मैक्रो बातें कही थी ग्रैंड फ्रेम फ्रेमवर्क की सोसाइटी को आपको कैसे समझना है साइंटिफिकली पढ़ो एंड ऑल दैट वो सारी चीजें तो आप छोटी छोटी चीजों को कैसे समझोगे रियलिटी में एक तो वह कि आपने थियरीज दी ठीक है उनको आम चेयर स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो जैसे दुर्खेम ने रिलीजन के लिए और ऑस्ट्रेलिया के एबोर्जी वो वाली हमें थियरी दी ठीक है बट देन ही वॉज क्रिटिसाइज बाई मेलनोस्की कि वो ऑरटा कभी गए ही नहीं उस ट्राइब में एंड उन्होंने घर बैठे उनकी एक खेल बना दी एक तो वो एक साइड से आपके पास वो स्कॉलर है वेबर हैं, जो आपको बोल रहे हैं चीज को कैसे समझना है तो एडिट ने काफी एक अच्छा ऐसे टूल दिया जिससे आप किसी भी रिसर्च आपके लिए इजी हो जाएगी किसी भी रिसर्च को आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया इसको एज अ मेजरिंग रॉड प्रेजेंट किया मेजरिंग रॉड कैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइडियल टाइप आइडियल टाइप आया ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स बताए ब्यूरोक्रेसी के कि उसमें क्या होते हैं लाइक हैरारकी होती है एक मैनेजमेंट होती है रूल्स फॉलो होते हैं टाइम पे काम करना होता है अगर ओवर टाइम आप काम करोगे तो यू विल गेट पेड एक्स्ट्रा तो अब आपके पास एक फ्रेमवर्क है अब अगर आप कल को एक सोशल रिसर्चर बनते हो एंड आप ब्यूरोक्रेसी किसी भी नेशन की पढ़ रहे हो आप नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अफ्रीका तक अगर कोई भी आ, मतलब यहाँ एक साइड से साउथ अफ्रीका स्टडी कर रहे हो एक साइड से नॉर्थ अमेरिका की कोई ट्राइब स्टडी कर रहे हो साउथ अमेरिका की कोई ट्राइब स्टडी कर रहे हो तो आपके पास आपका काफी टाइम बचेगा आपके पास एक मेजरिंग रॉड होगा आपको पता है कि आपको ब्यूरोक्रेसी को किन चीजों पे जो है किन आस्पेक्ट्स पे मेजर करना है ठीक है तो ये काफी अच्छा था इसने काफी टाइम सेव किया फॉर रिसर्चर्स सेव्स टाइम फॉर रिसर्चर्स अब देखो ना रिसर्चर्स को अब पहले नहीं मतलब उनके पास कोई एक आ... एग्जाम्पल अब फ्रेमवर्क है उनके पास एक ठीक है उनको पता है कि वो किसके अंडर रह के किस एक फ्रेमवर्क में स्टडी कर सकते हैं तो पहले ही उनकी स्टडी जो है वो चैनलाइज हो जाए किसी एक डायरेक्शन में जाएगी वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी दिमाग में रखे वर नहीं करेंगे कि अब क्या करना है तो अगर वो वेबर को फॉलो करते हैं वो एक फ्रेमवर्क दिमाग में रखेंगे फिर वो किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी हो रिलीजन हो कैपिटलिज्म हो किसी भी कंट्री का जो है स्टडी वो कंडक्ट आराम से कर सकते हैं तो जो इनका ये है आइडियल टाइप हम इसको मेथडोलॉजिकल टूल इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि इनको उन्होंने सिर्फ ये बातें नहीं की इन्होंने प्रैक्टिकली जैसे हमें आइडियल टाइप्स से समझाया कि कैसे हम चीजों को स्टडी करेंगे तो इनके जो आइडियल टाइप्स हैं उसमें मैंने आपको हमने क्लास में भी ये चीजें डिस्कस की हैं हिस्टोरिकल पर्टिकुलर से लेकर एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना पर्टिकुलर बिहेवियर एंड स्ट्रक्चरल फिनोमिना किसी भी चीज को स्टडी कर सकते हो स्ट्रक्चरल फिनोमिना अब ये सारी चीजें क्या है अगर आप लेक्चर रिकॉल करो अगर नहीं भी हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में बोलना है ना कि कितना यूजफुल है आइडियल टाइप एक मेथेडोलॉजिकल टूल आज के रिसर्च में तो यूजफुल है क्योंकि जो उनका आइडियल टाइप है उससे हम किसी भी टाइप की स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं चाहे वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर से रिलेटेड हो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना से रिलेटेड हो पर्टिकुलर बिहेवियर से रिलेटेड हो या स्ट्रक्चरल फिनमिना से रिलेटेड रिलेटेड हो ठीक है तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर क्या है चलो हम आज की एग्जाम्पल लेते हैं इट मीन्स हिस्ट्री का कोई एक पर्टिकुलर इवेंट फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर हम आइडियल टाइप को एज मेथेडोलॉजिकल टूल लेते हैं किसी हिस्टोरिकल पर्टिकुलर को समझने में हम वो आराम से समझ सकते हैं यहाँ पे हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट की ठीक है फॉर अगर आइडियल सोचो कि आप वेबर हो अब आप क्या कर रहे हो आइडियल टाइप इंडियन नेशनल मूवमेंट का बना रहे हो तो आप उसमें क्या बनाओगे जो मूवमेंट्स होंगे वो नॉन वायलेंट होंगी वो लीडरशिप फॉलो करेंगी ठीक है उनमें एक नेशनल सेंटिमेंट होगा मासस में एक यूनिटी होगी एट्सट्रा एट्सट्रा तो कहने का क्या मतलब है आइडियल टाइप को आप एक टूल यूज़ कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरिकल पर्टिकुलर ठीक है हिस्टोरिकल पर्टिकुलर हो गया फिर वो ये भी बोलते हैं कि आइडियल टाइप को सिर्फ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर नहीं एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना के लिए भी आप समझने के लिए यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना ले लो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना मतलब आपने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा नहीं है ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड ठीक है तो आप डेमोक्रेसी का आइडियल टाइप ड्रॉ करके वेबर के पर्सपेक्टिव से दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी को समझ सकते हो तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर भी समझ सकते हो आइडियल टाइप को यूज़ करके एज ए मेथेडोलॉजिकल टूल आप एब्रैक्ट फिनोमेना भी समझ सकते हो आ, आ, वेबर का आइडियल टाइप जो है उसको मैथडोलॉजिकल टूल बना के आप पर्टिकुलर बिहेवियर भी समझ सकते हो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर ऑफ ए ब्यूरोक्रैट बिहेवियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट तो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या होता है कोई एक स्पेसिफिक चीज ठीक है क्या होता है ब्यूरोक्रैट के बिहेवियर में कि ही शुड बी इम्पार्शल उसका एक आइडियल टाइप बना के की देर शुड बी अडेयरेंस टू रूल दैट मीनस ही शुड अडियर टू रूल्स ही शुड हैिटी डेसीजन मेकिंग स्किल्स एक्सेट्रा ठीक है दैट मीन्स आप बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये की वर्ड क्योंकि ताकि आप एक क्वेश्चन समझो क्वेश्चन पूछ कर रहा था आप आइडियल टाइप को एज अ मेथेडोजिकल टूल बना के हिस्टोरिकल पर्टिकुलर भी आपने समझ लिया एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना भी समझ लिया पर्टिकुलर बिहेवियर भी समझ लिया स्ट्रक्चरल फिनोमिना भी समझ लिया स्ट्रक्चरल फिनोमिना की एग्जाम्पल क्या होगी फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक चीज का स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम समझ रहे हो एजुकेशन सिस्टम ठीक है या आप ब्यूरोक्रेसी समझ रहे हो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर समझ रहे हो ठीक है तो जो हमें मेथड दिया था आइडियल टाइप का इसने मैक्स वेबर ने उसने इजी किया कि आप किसी भी टाइप की स्टडी चाहे वो आप हिस्टोरिकल पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हो मेजरली इसी कैटेगरी में फॉल करेगी ना आपकी स्टडी या तो वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर होगा या तो कोई स्ट्रक्चरल फिनोमेना होगा या तो पर्टिकुलर बिहेवियर होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना होगा तो किसी भी चीज को आप स्टडी कर सकते हो यूजिंग द आइडिया यूजिंग द मेथड ऑफ यू या यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स ठीक है या एज अ मेथडोलॉजिकल टूल एज वॉज गिवन बाई मैक्स वेबर तो ये इस क्वेश्चन का कहने का ये है सारा जो बॉडी है ये ही फॉर्म करेगी खासकर ये चार चीजें जो है वो आप विद एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो तो आप इसको फिर बाद में क्रिटिसाइज कर सकते हो कि जो आइडियल टाइप है उन्होंने ऑल हमें अच्छा कॉन्सेप्ट दिया आइडियल टाइप लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई कि जो आइडियल टाइप है इट इज वेरी सब्जेक्टिव

सॉरी <coughs> जो आइडियल टाइप मैं ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है वो दूसरा रिसर्चर नहीं समझे तो उसका अपना आइडियल टाइप होगा, मेरा अपना टाइप फॉर्म करना है आपको कोई तरीका नहीं बताया है तो जो वैल्यूज है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएंगी ही जब भी हमथेडोलॉजी को आइडियल टाइप की मेथेडोलॉजी को अडेप्ट करेंगे तो ये आप इसके क्रिटिसिजम में लास्ट में लिख सकते हैं फाइन तो ये रहा आपका क्वेश्चन question, दो क्वेश्चंस हैं आज हम इतने ही डिस्कस करेंगे कल और परसों आएंगे से हमारा वेबर कंप्लीट हो जाएगा आप क्वेश्चंस मुझे मेल कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में मेल करेंगे या व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव पे अगेन इन पीडीएफ फॉर्मेट इमेजेस में इवेलुएट नहीं करती हूँ ठीक है तो अगर आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं डाउनलोड करें कारण क्रंच ऐप को प्ले स्टोर से एंड यू कैन परचेज द कोर्स फ्रॉम देयर या आप मुझे कोई भी क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे